नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज में। इस वीडियो को जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए या यूपी टीजीटी पीजीटी या एनवीएस एंड केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, धौलावीरा से। यानी धौलावीरा से हड़प्पा काल के उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर दो, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुते हुए तथा इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, डायमाबाद से। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चय से ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्निवेदिकाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बनावली तथा कालीबंगा से। यहां से जो है अग्निवेदिकाएं कुंड प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर चार, तांबे की एक मानवाकृति आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा से। यानी हड़प्पा खुदाई से पुरुषों की जो है दो अर्ध मूर्तियां भी मिली है यहां से। क्वेश्चन नंबर पाँच, हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यह वर्णाक्रमिक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। क्वेश्चन नंबर छः सुमेलित करने के लिए है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। कल्प किससे संबंधित है? ये अनुष्ठान से। शिक्षा, ये स्वर विज्ञान से है। निरुक्त, ये जो है व्युत्पत्ति विज्ञान से है। छंद, ये जो है चतुष्पदी वृत्त से है। यानी कि इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सात, कथन और कारण से है। देखिए इसमें कथन दिया गया है कि भारत में भारतीय आर्य जिसको इंडो आर्यन मध्य एशिया के किसी स्थान से संभवतः यूराल श्रृंखला के दक्षिण और कैस्पियन सागर के पूर्व में इसी क्षेत्र से आए थे। और कारण दिया इसका, वे अपने भारतीय पड़ोसियों द्वारा पराजित किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है लेकिन इसमें आर गलत है। क्वेश्चन नंबर आठ, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ किस काल में हुआ पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपनिषद काल में। क्वेश्चन नंबर नौ, ज्योतिष वेदांग तथा सूर्य प्रज्ञाप्ति जैसे ग्रंथों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ज्योतिष, ये ज्योतिष प्रकार के हैं ये ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर दस, गंगा जमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है?
कैंसर हो जाएगा बी यानी चित्रित धूसर मृत भांडों से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कहां पर अवस्थित है, दिलवाड़ा में, राजस्थान में पड़ता है, आबू पर्वत पर है दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत के निम्न शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें कौन जैन धर्म के प्रवर्तक थे या धर्म के संरक्षक थे, इसका आंसर हो जाएगा एक यानी 1, 2, 3 यानी श्रेणिक बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, तीनों थे जो जैन धर्म के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे, भौतिक संस्कृति के आधार थे, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सभी आधार थे इसमें, यानी लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आहत सिक्कों का बाहुल्य, उत्तरी काले पालिस वाले मृद भांडों की प्रचुरता, पकी हुई ईंटों का प्रयोग, वलय कूपों का प्रयोग होता था, यानी सभी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 14 प्रमुख शिलालेख धम्म के विभिन्न सिद्धांत है ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, 16 क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हुआ है, 17 देखिए कथन कारण से है, कथन दिया है पतंजलि यह साक्ष्य देता है कि मौर्य काल में धन के लिए नए पंथ और अंधविश्वास प्रवर्तित थे, और कारण है इसका राज्य में किसी भी अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना करने के लिए कोषागार का पर्याप्त भरा रहना आवश्यक था, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ए आर तो दोनों सही है लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत का प्राचीनतम अवलेख प्राप्त हुआ है, यानी संस्कृत का प्राचीनतम अवलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बी गिरनार में, यानी 150 ईस्वी में जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ है शिलालेख, ये पहला शिलालेख है जो संस्कृत में लिखा गया है, यानी गिरनार में ये मिला है जूनागढ़ शिलालेख जिसके नाम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है, इसका आंसर हो जाएगा सी जुन्नूर, जुन्नूर का चैत्य जो है गोलाकार है, इसके अलावा भज विदिशा कारले, इसका चैत्य जो है आयताकार में है। क्वेश्चन नंबर 20, कथन और कारण से है इसमें, देखिए अगर इसमें आंसर अगर ए सही होगा तो यार दोनों से ये सही व्याख्या करता है, अगर बी सही होगा तो यार दोनों सही है लेकिन ए की सही व्याख्या यार नहीं करता, यानी आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता, अगर सी आंसर होगा इसमें तो इसका हो जाएगा कि ए सही है आर गलत है, अगर डी होगा तो ये गलत है और आर सही है, इस टाइप से इसमें आंसर होंगे। 3-4 क्वेश्चन इससे हैं 23 तक, तो चलिए देखते हैं इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है कथन, भागवत धर्म का प्रसार पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन में हुआ, कारण दिया इसमें मथुरा के यादव सत्व ऋषि जनों ने विभिन्न क्षेत्रों में देशांतर किया, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ए आर दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या करता है।
क्वेश्चन नंबर 21 कथन है इसमें, पुष्य मित्र ने अश्वमेध यज्ञ करके अपनी सफलता का संकेत दिया था। कारण है इसमें, वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए आर दोनों तो सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22 कथन है इसमें, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर समुद्री व्यापार करते थे। कारण है इसमें, उनके पास एक सुसंगठित सेना थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए तो सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 कथन है इसमें, हीनयान और महायान बौद्ध मत चार परिकल्पनात्मक विचार पद्धतियाँ वैभाषिक, सौत्रांतिक, माध्यमिक और योगाचार में विभाजित थे। कारण है इसका, इन चारों विचार पद्धतियों के संदर्भ दर्शन के ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए आर यानी ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, यानी संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, तोलकापियम। क्वेश्चन नंबर 25 सुमेलित करने के लिए, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तिरुकुरल जो है त्रिवल्लुरम से संबंधित है, त्रिवल्लुवर डी होगा ये का। शिल्पाधिकारम तेज जो है इंडो आर्डिगल से संबंधित है, यानी इसकी रचना किए थे इंडो आर्डिगल और शिल्पाधिकारम, ये ग्रंथ का नाम है। मणिमेखलई ये जो है सतनार की है। तोलकापियम ये जो है तोलकापियर की है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय मठवासी जीवन की आवश्यकता, भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्हों की पूजा, केवल स्वयं से मोक्ष प्राप्ति तथा उसमें विश्वास की और भगवान बुद्ध फिर से पैदा नहीं होंगे जैसे विचारों पर बल देता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हीनयान में ऐसा विचार प्रकट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 परवर्ती गुप्त काल में मुद्रा अथवा सिक्कों की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमान लगाया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी व्यापार का ह्रास हुआ या व्यापार का पतन हो गया सिक्कों अथवा मुद्रा की कमी के कारण। परवर्ती गुप्त काल मतलब उत्तरोत्तर गुप्त काल, यानी गुप्त काल के बाद जो गुप्त काल थे। क्वेश्चन नंबर 28 गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था, भाग कर से क्या तात्पर्य था, इसका आंसर हो जाएगा ए, भाग कर में होता था भूमि कर से, जो 1/6 भाग लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 है गुप्तोत्तर कृषि भूमि संबंधी संरचना के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी राजवंश का निर्बाध भू स्वामित्व इसका मूल आधार था, ये सही नहीं है। इसके अलावा इसमें सब ए बी और डी ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए इसमें कथन दिया है गुप्त काल में अनुलोम विवाह प्रचलन में थे और कारण यह इसमें गुप्त सम्राट विदेशियों को हिंदू धर्म के अंदर समा लेना चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।